Hello kids, how are you all? I hope you all are fine, fit and healthy. So welcome again my channel, The Kids Zone. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई सीख जिसे आप सीखेंगे और एक नया कंसेप्ट जिससे आप लोगों को एक नई चीज के बारे में पता चलेगा. आप सब गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं? Yes. I know you all about the Gayatri Mantra. आप जब भी अपने स्कूल में प्रेयर करते हैं, अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप यहाँ भी प्रेयर करते हैं. सबसे पहली शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करते हैं. क्या आप गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हैं? No? चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको गायत्री मंत्र का अर्थ भी बताऊंगी, हम इसे क्यों बोलते हैं, इसका उच्चारण हम क्यों करते हैं, आज ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे. तो सबसे पहले हमारा गायत्री मंत्र कैसे बोला जाता है हम देखते हैं. Start. Om Bhur Bhuvasvah Tassavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. तो ये था हमारा गायत्री मंत्र जिसका हम उच्चारण करते हैं. आप सुबह सुबह इसका उच्चारण करते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लास में भी इसको बोलते होंगे और जब आप स्कूल जाते थे वहाँ भी प्रेयर करते थे. सबसे पहले हम गायत्री मंत्र से स्टार्ट करते थे. इसका मतलब ये है कि हमें जिसने बनाया है, हमें किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है. ईश्वर सबसे ऊपर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसी ने इस संसार को बनाया है. तो हम उससे विनती करते हैं कि हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, हमें अज्ञान एवं पाप से मुक्ति दें और हमारी बुद्धि बहुत अच्छे रास्ते पर चले जिससे हम अपने सभी कार्यों को अपनी सच्चाई और ईमानदारी से कर सकें. तो ये हमारा गायत्री मंत्र का अर्थ था. तो आप जब भी इसे बोलें तो सबसे पहले इसका मतलब समझें कि हम इसको क्यों बोलते हैं. इसे बोलने का एक और फायदा होता है, इससे हमारा मन शांत एवं एकाग्र रहता है. सो प्रैक्टिस एट योर होम, सही उच्चारण कीजिए और इसका मतलब समझिए. आई होप यू लाइक माई वीडियो, टू स्टे कनेक्टेड विद मी. सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.